आज अक्षय तृतीय रे गृह प्रवेश करिवो बीजेडी उद्घाटन हेबो बीजेडी रो स्थायी कार्यालय शंख भवन पूर्वाह्न 10:30 मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एहाक उद्घाटन करिवे। 2.5 एकर जगार निर्मित ए शंख भवन 3 महला विशिष्ट ए शंख भवन रे बीजेडी रो सबु विंग रो ऑफिस रहिबा सह कॉन्फ्रेंस हॉल रहिबो, थिएटर ऑडिटोरियम रो व्यवस्था मध्ये रहिछि। कार्यालय रो प्रथम महलार सम्मुखरे एक बड़ शंख स्थानित होइछि। तृतीय महलारे मुख्यमंत्रीक ऑफिस रहिछि। उद्घाटनी उत्सव रे विधायक, सांसद, पर्यवेक्षक, जिला परिषद सभापति, ब्लॉक सभापति एवं छामुआ संगठन रा सभापति माने शामिल हेबे। स्मार्ट सिटी को आखि आगरे रखी बीजेडी स्मार्ट ऑफिस निर्माण करथिबा कथा कहा जाउछि। आपण देखि परुछन्ति सीधासळख दृश्य, विजु जनता दलर नेता कर्मी माने सेठी उपस्थित रहिछन्ति। शंख भवन उद्घाटन करा जिवो। मैं आउ थे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आ खूब कम समय प्रतीक्षा या सहित आपण को अनुरोध मध्य करू। प्रशांत स्वाई वरिष्ठ सहयोगी रही कि सूचना सहित। प्रशांत, शंख भवन विजु जनता दलर ऑफिस उद्घाटन करा जिवो, राज्य कार्यालय उद्घाटन करा जिवो, केतबेले मुख्यमंत्री आसी पहुँचे, दलर सभापति नवीन पटनायक पहुँचे उद्घाटन करिवे? देखु मनोज, आज शंख भवन उद्घाटन अर्थात गोटे शब्द कहवाकू गले बीजेडी आज हूँ एक प्रकार जो नव भवन निर्माण गृह प्रवेश उत्सव बीजेडी आउ किसी समय पर बीजेडी सभापति एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये नतुन नूतन शंख भवन बीजेडी कार्यालय उद्घाटन करेंगे। आउ किसी समय पर मुख्यमंत्री पहुंचे शंख भवन में उद्घाटन करेंगे। सका पूजा पूजी सरी जा एक प्रकार पूजा विधि जहां रहा तथा गृह प्रवेश घर प्रतिष्ठा एवं पूरा शंख भवन को सजा जा पूरा शंख भवन परिसर को सजा जा कलश बसा जाभरी भाव में एक नूतन गृह प्रतिष्ठा हुए साधारण लोकं ठीक से ही ढंग से पूरा साजसजा करजेडी शंख भवन को एवं दलर सबु छामुआ नेता मैंने ये उपस्थित अच्छा एवं सारा राज्य बीजेडी जो मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि कहतु जिला स्तर कर्मकर्ता कहतु ब्लॉक स्तर निर्वाचित प्रतिनिधि कहतु समस्ते आसी समस्त को ये नव वस्त्र देखी बीजू जनता दलर जो रही जो रही समस्त को स्वागत कर सबू नेता मान को स्वागत करष दे स्वागत करा देखा मिलती समस्ते किसी ना कि उपहार लेकिन उपहार बीजेडी सुप्रीमो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को समस्त देवे जिला सभापति मैंने गोटे पड़े गोटे जिलार सभापति जो मैंने अच्छा कार्यकर्ता जो मैंने अच्छा से मैंने जो उपहार लेकिन आज गृह प्रवेश उत्सव नव निर्माण जो कार्यालय रही विजु जनता दल शंख भवन ताकि उद्घाटन जिते पर समस्ते जो उपहार लेकिन उपहार देवे मुख्यमंत्री को एवं बीजेडी सभापति को उपहार देवे व्यवस्था करा पूरा ग्राउंड फ्लोर जो रही पूरा बेसमेंट जो रही विजु जनता दल बेसमेंट जो रही बेसमेंट रे वर्तमान समस्त कार्यकर्ता सिटिंग आरेंजमेंट कर सबू नेता मैंने से अपेक्षा कर रही पूरा सूचना देलु सही हिसाब रे आपण समस्ते प्रस्तुत थांतु। माननीय मुख्यमंत्री एवं आमर दलर सभापति आसीबा परे आमे गोटिए परे गोटिए जिल्लार नाम घोषणा करिबु एवं सही जिल्लारु आपण कर्मकर्ता मानंकु नेई मंच को आसीबे। मंच रे माननीय मुख्यमंत्री को आपणक जिल्लार शिल्पी माने प्रस्तुत करथिबा सुंदर उपहार प्रदान करिबे एवं जिबे। धन्यवाद। आमे भलेंटियर भाई भौनी माने जो माने आमर युव जनता दल एवं छात्र जनता दल रो जो भलेंटियर भाई भौनी माने अछंती तांकू आमे अनुरोध करूछु जदी
आमर कर्मकर्ता मानंकु एवं सीनियर लीडर्स मानंकु बुझिबारे किछि अड़ुआ हेउछि तबे से माने आमकु इन्फॉर्म करिवे आमे सेही हिसाब रे तांकु अवगत कराइबु। आउ किसी समय मध्य आम प्रिय नेता आम गणरे पहुँचे आज साढ़े चार कोटी ओडिया स्नेह श्रद्धा पाई प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे आम दल अपराजय एवं आगामी दिन में ओडिशा को समृद्धि शिखर में पहुँचापी एवं भारत को श्रेष्ठ राज्य में पहुँचापी ये शंख भवन हम केन्द्रबिंदु यही शंख भवन को आज आमर प्रिय नेता ये जाति उद्देश्य रे माटी उद्देश्य रे लोकार्पित करिवे। विजु जनता दलर कार्यालय उद्घाटन करा जिवो शंख भवन विजु जनता दलर सभापति नवीन पटनायक आसिबे किसी समय मध्य ए भवन को उद्घाटन करिवे। दलर अन्य जो नेता माने रहिछंती कर्मी माने रहिछंती समस्त सेठारे उपस्थित रहिछंती। ग्राउंड फ्लोर सहित आम प्रथम महला रे अछु एवं या उपरे द्वितीय महला एवं तृतीय महला रही समस्त छामुआ संगठन ऑफिस रही कैफेटेरिया रही प्रतीक्षा गृह रही मीडिया रूम रही एक कॉन्फ्रेंस हॉल रही एक विराट बड़ डिजिटल रूम रही अवसर में मुझे अनुरोध करी आम वॉलंटियर्स मान को वरिष्ठ नेता मानंकु सेमानंकु आसन को नवा पई एवं सेमानंकु आसन रे बसिया पई सहाय्य करिया पई शंख भवन केमिति देखा जाउची ए विषय रे जानिबा पई आपण समस्तक मन रे आग्रह रहिची यार परिकल्पना केमिति करा जायथिला एथिरे केतोटी कक्ष अच्छी के फैसिलिटीज रही विभिन्न छामुआ संगठन नेतृत्व मंडली पाई क्यों कक्ष उद्दिष्ट रही ऑडिटोरियम केमिति रही सबू विषय आम गोटे ऑडियो विजुअल प्रस्तुत करुचु जोटा कि मान्यवर मुख्यमंत्री तथा आमर दलर सभापति आसवा पर आम प्ले करवा आशावादी अच्छी जे से ऑडियो विजुअल आपड़ देखिले आत्महरा हेबे एवं एते खुशी हेबे जे ओडिशा वासिंक उद्देश्य रे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय एडे सुंदर शंख भवन को आज लोकार्पण करुछंती। एही बिल्डिंग टी जोथरे आपण माने समस्ते बसिछंती एटा प्रायतः गोटे इको फ्रेंडली बिल्डिंग एवं आपण समस्ते जतेबेले एही पार्टी ऑफिस को आसीबा आरंभ करिवे एवं आपण मानक पाई उद्दिष्ट थिबा कक्ष को जिबे आपण माने निजे अनुभव करिपारिबे जे केमिति भाबरे एठी कार्य आपण माने परिचालना करिबे एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय एटा केवल आमर विजु जनता दलर कर्मकर्तांक पाई नहीं ओडिशार समग्र जनसाधारणक पाई लोकार्पण करबाकु जाउछंती एवं एही बिल्डिंग रे शंख भवन रे आपण माने ओडिशार कला स्थापत्य भास्कर्य सबू देखिबा पाई पाइबे
बहु शिल्पी तांकर श्रमदान करिसेंती अनेक जन टीम रे काम करी मात्र दुई वर्ष समय व्यवधान रे एही शंख भवन को निर्माण कार्य को समापन करिसेंती एवं आपण मानक उद्देश्य रे आज ता लोकार्पित हेबा पई जाउछ। प्रशांत स्वयं वरिष्ठ सहयोगी रही सीधासलख शंख भवन निकट रे आसंतु सेठिकी जिबा तांको ठारु किछि अपडेट नबा। प्रशांत वर्तमान आपणक पाखरे कोन अपडेट कुहंतु तो मनोज देखंतु आउ किछि समय परे बिजु जनता दल जो शंख भवन नवनिर्मित कार्यालय शंख भवन उद्घाटन करा जिवो एवं आज गृह प्रवेश हेबो मुख्यमंत्री तथा बिजु जनता दल सभापति नवीन पटनायक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आउ किछि समय परे ताकु उद्घाटन करिवे जहाँ सूचना रही आउ किछि समय मात्र अपेक्षा रही पूरा शंख भवन को साजसज्जा करा जाइछि एवं शंख भवन जेभली भावरे कहुतले किछि समय पूर्व आपण सुनुतले दल पक्ष कुआ जाउतिला एठी सबु कला कथा कोंतु भास्कर्य कथा कोंतु पूरा अत्याधुनिक भाव में शंख भवन को तैयारी करा जाएगी एवं पूरा सामना रे एक विशाल शंख मध्य लगा जाएगी एवं जो मैंने अच्छा बिजु जनता दल कर्मकर्ता जो मैंने अच्छा सारा राज्य से निमंत्रण बिजु जनता दल ब्लॉक स्तर ठू आरंभ करी राज्य स्तर जाए जो मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि अच्छा से मंत्री कथा कहतु सांसद कथा कहतु विधायक मानक कथा कहतु जो मैंने सब रही समस्त को एटिके निमंत्रण कर मंत्री मानक निमंत्रण कर दलय कार्यालय एक प्रकार उत्सव पालन करा उत्सव रे बिजु जनता दल जो मैंने रही कार्यकर्ता रही कार्यकर्ता मैंने समस्ते एठी अच्छा उपस्थित रही अपेक्षा रही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आउ किसी समय पर आसी पहुँचे एवं पहुँचवा पर कार्यालय उद्घाटन हेब ए पूरा अत्याधुनिक भाव में कार्यालय को या दलर जो कार्यकर्ता मैंने रही कर्मकर्ता मैंने रही से मैंने किभली भाव में अलग अलग स्थान में बसवापी व्यवस्था करजु जनता दल जो कार्यालय रही कार्यकर्ता अलग अलग रूम व्यवस्था होती आई टी स्वतंत्र कार्यालय मध्यम करा एवं ये सब भितर के भल भाव हो पार पूरा दृष्टि रखी एवं साजसज्जा आप देखुं आज उद्घाटन अवसर में पूरा साजसज्जा करा जो अतिथि मैंने आसुच्च जो दलय निर्वाचित प्रतिनिधि कथा कहतु जो मैंने कार्यकर्ता कथा कहतु समस्त को भव्य स्वागत ये बंटन करा महाप्रसाद बंटन करा समस्त को दि जा सहित अपेक्षा रही किसी समय पर जोबले मुख्यमंत्री एवं बीजेडी सभापति नवीन पटनायक आसवे और लोकों सेवार जो रही शंख भवन को उद्घाटन करेंगे आउ कि समय अपेक्षा रही आप देखुंत पूरा भिजुआल किभली भाव में रही सब कार्यकर्ता दलर ब्लॉक स्तर ठू आरंभ कर राज्य स्तर जाए सब कार्यकर्ता मैंने ये उपस्थित अच्छा दलर जो मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि से उपस्थित अच्छा आप देखुए पूरा दृश्य किभली रही किभली भाव में सजा जाते एंट्री करेंगे आप शंख भवन को डाहाण पटे विघ्नराज गणेश को मध्य स्थापन करा एवं विघ्नराज को ये स्थापना करा सहित पूरा सम्मुख भाग को जितेबले जीवे आपणकर प्रथम महला को चढ़े से डाहाण पटे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन जो ठाकुर रही प्रतिकृति करा जो शंख भवन को जिते सुंदर भाव में हो पार कि भाव में ओडिशार कलाकृति कथा कहतु ओडिशार भास्कर्य कथा कहतु ये सब कि भाव में हो पार पूरा दृष्टि रखिकी ये अपेक्षा रही आउ कि समय जोबले मुख्यमंत्री आसी पहुँचे एवं उद्घाटन करेंगे आपड़ देखुए सीधा साल दृश्य मैं देखे जहाँ फिड रही एटी क्यमेरा पर्सन दयानिधि आपको देखा किभली पारंपरिक भाव में साजसज्जा करा शंख भवन आउ कि समय अपेक्षा रही जितेबाला आसी पहुँचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उद्घाटन करेंगे शंख भवन उद्घाटन करेंगे पूजा पूजा विधि जहाँ सब रही से पूजा विधि अनुसार सबू कर प्रतिष्ठापी जहाँ पूजा करता से पूजा कर सारी शंख भवन विजु जनता दल कह कथा ये जो शंख भवन ये लोकों सेवार कि भाव में रहीपर जोबले से बड़ कथा केवल शंख भवन नुहे ये लोक मानकर सेवा क्षेत्र में जो उत्सर्ग
ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଆଜି ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରରେ ରହିଛି ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଟର୍ମରେ ସରକାରରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଭଳି ଶାସନକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଭଳି ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସବୁ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ସେସବୁକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ଶଙ୍ଖ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।